एक शख्स अल्लाह वाले की बारगाह में आया, हुजूर कोई ताबीज कर दो, मेरे घर में बरकत नहीं होती। अल्लाह वाले की बारगाह में आया, हुजूर कोई ताबीज कर दो, मेरे घर में बरकत नहीं, तवज्जो करना। अल्लाह वाले ने, यार अल्लाह वाले होते हैं, आंखों को बंद किया, मर्ज देख लिया, मर्ज क्या है। पहले जो हकीम होते थे ना, नब्ज पकड़ के बताते थे इसका मर्ज क्या है, हैं? आज के डॉक्टर रिपोर्ट देख के बताते हैं मर्ज क्या है। भाई यही है क्या ना, पहले के काबिल थे कि आज के काबिल? पहले के काबिल थे यार, आज मशीनों पे निर्भर करते हैं, पहले अपने इल्म पे जो है भरोसा करते थे। भाई ये बात है कि नहीं? अल्लाह वाले जो होते थे ना, आज जो है हम जैसा मौलाना पूछता है क्या बात है क्या नहीं है, ये बता वो बता, और अल्लाह वाले जो होते थे ना, वो आंखें बंद करते थे, दिल का हाल जान लिया करते थे, वजह क्या है, परेशानी क्या है। आया हुजूर बड़ा परेशान हूँ, घर में बरकत नहीं होती। अल्लाह वाले ने कपड़ा दे दिया, क्या दे दिया? दरवाजे पे पर्दे भर के लिए। बोले ले ये तावीज ले जाओ। हुजूर तावीज पहला देख रहा हूँ, इतना बड़ा कपड़े का तावीज, कुछ लिखा उखा तो है नहीं। बोले यही तेरा तावीज है। अल्लाह वाले दवा वो देते थे जिससे फायदा होना, पोटली नहीं बांधते थे, है ना? वो देते थे जिससे फायदा होना, पोटली नहीं बांधना उन्हें। बोले जा ले जा। बोले क्या करें हुजूर? कहा अपने घर के दरवाजे पर इस पर्दे को लगा देना। तेरे घर के दरवाजे पर पर्दा नहीं है हुजूर? नहीं है यहाँ पर्दा। कहा तू ये लगा देना। कहा हुजूर तावीज? बोले यही तेरा तावीज है। अल्लाह वाले ने कहा कपड़े ले जा, दरवाजे पे लटका दे, तवज्जो है, दरवाजे पे डाल दे। दरवाजे पे कपड़ा डाला, चंद दिन हुए के बरकतें आने लगी। सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। चंद दिन गुजरे के बरकतें आने लगी। फिर गया हुजूर, उस कपड़े में क्या लगा था कि बरकतें होने लगी? अब तो कमाता उतना ही हूं जितना पहले कमाता था, मगर अब रोजी अच्छे से मिलती है, अच्छे से खाता हूं, बचा भी लेता हूं। हुजूर मामला क्या है? अल्लाह वाला मुस्कुराया, तेरी रोजी वही है, तेरा कारोबार उतना ही है, तेरी रोजी बड़ी नहीं, तेरा कारोबार बड़ा नहीं, मगर बरकतें क्यों बढ़ गई? वजह सुन, वजह यह है, अल्लाह वाला फरमाता है तेरा घर रास्ते के किनारे था, एक बेनमाजी निकलता था, तेरे घर में निगाह डालता था, उसकी निगाहों की नहुसत है, अल्लाह ने तेरे घर की बरकत को खत्म कर दिया था, तूने घर में पर्दा डाला, बेनमाजियों की निगाह है, अब तेरे आंगन में नहीं पड़ती, अब तेरे घर में नहीं पड़ती, बेनमाजियों की निगाह से तेरा घर महफूज हो गया, इसलिए बरकतें आने लगी है। यार बेनमाजी की निगाह पड़ जाए, सुनियो आगे से लेके पीछे तक सुन लेना जरा, इस जुमले पे 20 जुमले पे जरा, अब ठंडे दिल से फैसला खुद करना, सुनाना मेरा काम, फैसला करना आपका काम। बेनमाजी की निगाह पड़ जाए तो घर की बरकत उड़ जाए, और जिस घर में रेगुलर बेनमाजी रहता हो, अब मुझे बताइए, जिस घर में बेनमाजी रहता हो, और आज वो भी शिकायत कर रहा है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, किसी से भी पूछ लेना, जो 1,00,000 रुपए रोज की इनकम है ना, वो भी यही कह रहा है मौलाना बरकत नहीं। कितनी होगी भाई इनकम तुझे? वो भी कह रहा है परेशान ही हो यार, और जरूरत है। जो 1,00,000 रुपए रोज कमाता पता वो क्या कह रहा है मौलाना? कई करोड़ की जरूरत है, वो करोड़ों की जरूरत बता रहा, सही बता रहा हूं मैं, करोड़ों की जरूरत, और जो 1,000 रुपए रोज कमा रहा है वो लाखों की जरूरत बता रहा जी। अब मुझे बताइए आप, तो वजह क्या है? वजह ये है कि दे अल्लाह कितना भी देगा तो ये बरकत लगेगी नहीं जब तक क्या ये काम नहीं करेगा जो ओरिजिनल वाले हैं। अल्लाह जब तेरे दिल को सुकून दे देगा ना, दिल को सुकून तो यही अमीरी है, और पैसा कितना भी हो, दिल को सुकून ना हो तो दिल को सुकून ही नहीं मिलेगा, परेशानी रहेगा। दिल को सुकून मिल जाए बस यही अमीरी है। दिल के सुकून का नाम अमीरी है मियाँ, माल का नाम अमीरी है ही नहीं। शेख सादी फरमाते हैं तवांगरी बदिलस्त ना बमाल, मालदारी दिल से है माल से नहीं है। बुजुर्गी बाकलस्त ना बसाल, कहते हैं बुजुर्गी अक्ल से है, इल्म से है, उम्र से नहीं है। हाँ अब जरा गौर करें लोगों, बेनमाजी जिस घर में रहते हो, और कोई एक बेनमाजी रह रहा है क्या घर में? पूरे घर का घर, पूरे अमला का अमला बेनमाजी है, मतलब कोई एक बेनमाजी रह रहा है जो
भी चलो थोड़ा मोड़ा काम चल जाए, पूरा अमला ही तो बेनमाजी घूम रहा, करो क्या करोगे आप? तवज्जो करना, अपने बच्चों को नमाज की आदत डालो यार, अपनी बच्चियों को नमाज की आदत डालो, खुद भी नमाज की आदत डालो, अल्लाह तुम्हारे दिलों को सुकून अता फरमाएगा, अल्लाह दिलों को सुकून अता फरमाएगा। आप मैं बात को खत्म करूंगा, जरा तवज्जो कीजिएगा। अल्लाह अल्लाह लोगो, अमीरी अल्लाह सुकून दे तो अमीरी है, माल से नहीं है। मैं शुरू यहां से हुआ था कि अगर अल्लाह, तुम यहां से जा रहे हो और अगर आपके हाथ में ईमान है तो मजे ही मजे हैं। बात है कि नहीं? क्या है? मजे ही मजे हैं, मजे ही मजे मरने। और एक बात तो मैं और बता दूं आपको, आपकी मालूमात में इजाफा कर दूं, तवज्जो करना, अभी दूर नहीं 150 किलोमीटर होगा आपके यहां से, बिलग्राम शरीफ पड़ती है एक जगह, हरदोई जिला में। क्या जगह का नाम बताया? बिलग्राम शरीफ। आला हजरत सरकार जाते थे ना वहां, तो नंगे पैर जाते थे। वहां पर एक थे सुथरे मियां, जो हुजूर इस वक्त मौजूदा सज्जादा हैं, ताहिर मियां। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत ने मुझे खिलाफत भी दी है, हुजूर ताहिर मियां बहुत नेक शख्सियत का नाम है, हुजूर ताहिर मियां जिंदा वली का नाम है। हुजूर ताहिर मियां के वालिद उनको कहते हैं सुथरे मियां। तो सुथरे मियाँ का इंतकाल हुआ, लोग गुसल के तख्ते पे लिटा के गुसल दे रहे थे, किसे? सुथरे मियाँ को। क्या दे रहे थे? गुसल। और जब गुसल दे रहे थे लोग कलमाए शहादत पढ़ रहे थे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐसे कलमाए शहादत पढ़ रहे। तो जब कलमाए शहादत पढ़ा जाता है तो उंगली उठाई जाती है, ये अशहदु अल्ला इलाहा, उंगली उठाई जाती है ना, उठाना चाहिए। तो सब लोग कलमाए शहादत पढ़ रहे, उंगली उठा रहे, सुतरे मियाँ को गुसल दिया जा रहा, गुसल के तख्ते पे लेटे, सब उंगली उठा रहे और सबके साथ साथ सुतरे मियाँ भी उंगली उठा रहे। यार जब गुलामों का गुलाम तख्ते पे लेट के उंगली उठा दे तो ये तो नबियों का इमाम है, और नबी से वफा करो, यही सच्ची मोहब्बत है। अल्लाह कहने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, कहने सुनने में कोई खता हुई हो मौला माफ फरमाए। कलमा शरीफ पढ़िए ला इलाहा, दिन का टाइम है, कभी रात में सुनाएंगे। फरकान भाई अदान की फरमाइश करें, फिर कभी रात में सुनाएंगे, समझे? लोग सोचेंगे जोहर की हो रही है क्या। अल्लाह अल्लाह, कलमा शरीफ पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صل عليه صلاه وسلاما عليك يا رسول الله اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل